नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम वेजिटेबल दम बिरयानी बनाएंगे। तो इस बिरयानी को बनाने में मैंने दही का यूज नहीं किया है, ना ही मैंने वेजिटेबल्स को मैरिनेट किया है। फिर भी ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस बिरयानी को आप अपने घर में जरूर से बनाएं और बनाने के बाद मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी ये बासमती राइस लिए है। इसको मैं 2 बार साफ पानी से अच्छे से धोऊंगी और इसको अच्छे से धोने के बाद हम पानी डाल के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पानी को, मतलब कि मैं राइस को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो वॉश करने के बाद हम पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए है तो आप देख सकते हैं चावल भीग गए हैं अच्छे से और फूल गए हैं। तो बड़े बर्तन में मैंने पानी को उबलने रख दिया है और इस पानी के अंदर में 2 तेज पत्ते, ये बिरयानी फूल, 1 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच जितना ऑयल डाल के पानी को उबालूंगी। तो जब पानी उबलना शुरू हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर भीगे हुए चावल डालेंगे। जिस पानी में हमने चावल को भिगोए थे उस पानी का यूज नहीं करेंगे। चावल को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। गैस हम हाई रखेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। अब हम चावल को पकने देंगे। चावल को हमें एकदम से अच्छे से कुक नहीं करना है, 80% ही हम चावल को कुक करेंगे और दूसरे 20% वो दम पर ही कुक हो जाएंगे। तो ज्यादा कुक ना हो जाए उस बात का ध्यान भी हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, चावल जब 80% जितने कुक हो जाए, थोड़े कच्चे रहे, उस टाइम ही हमें चावल को निकाल देना है। तो इस चावल को मैं एकदम छेद वाली जो छन्नी होती है इसके अंदर निकाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टैंड के ऊपर छन्नी रख दी है ताकि नीचे से भी हवा मिलती रहे। चावल को हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। गैस ऑन कर दिया है, गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दिया है। कुकर में मैंने ऑयल को गर्म होने दिया है। तो गर्म ऑयल हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर काजू डाल के फ्राई करेंगे। काजू को हमें धीमी आंच पर 1 से 2 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। तुरंत ये जल जाते हैं तो उस बात का ध्यान रखना है। 1 से 2 सेकंड में ही काजू को हम निकाल देंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल के इसको भी मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 बड़ी साइज की प्याज थी, उसको मैंने लंबी लंबी पतली स्लाइस में कट किया था। आपने देखा कि जैसे ही मैंने ऑयल में प्याज डाली तो कितने सारे बबल्स हो गए। जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाते हैं तो बबल्स भी बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं बबल अब नहीं दिख रहे। तो प्याज को हम एकदम डार्क ब्राउन हो जाए तब तक नहीं फ्राई करेंगे, बस सुनहरा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसको ज्यादा फ्राई करेंगे डार्क एकदम, तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो गोल्डन कलर का हो जाए तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे और थोड़ी थोड़ी डालते हुए प्याज को हम फ्राई करेंगे। उसी तरह से हम सारी प्याज फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की प्याज हो गई है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल दूंगी और इसी तरह से हम सारी प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम फूल गोभी को फ्राई करेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से मीडियम टुकड़ों में कट किया था और धोने के बाद मैंने इसको सूखा भी लिया था कपड़े पे ताकि ऑयल के छींटे ना उड़े जब फ्राई करें। तो उसको भी हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक ही फ्राई करना है। अब हम इस ऑयल को छान लेंगे और कुकर में 3 चम्मच जितना ऑयल रहे
उतना ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया है और 3 चम्मच जितना ऑयल है ऑयल को मैंने छान दिया है। अब हम इस ऑयल के अंदर खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले के अंदर आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप डालें। यहाँ पर मैंने बिरयानी फूल, जावित्री, तज, लौंग और मरी डाला है। आप इलायची भी डाल सकते हैं। धीमी आंच पर ही खड़े मसाले को भूनना है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी, थोड़ी सी हींग डाल दी है, गैस मैंने एकदम धीमी कर दी है। अब हम इसके अंदर हरा प्याज और हरे लहसुन का जो आगे वाला पार्ट्स होता है व्हाइट, वो डाल दिया है। तो 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको हिला के भूनेंगे। हरी प्याज और हरा लहसुन का सफेद वाला भाग है, इसको बारीक चॉप करके डाला है। 1 छोटी चम्मच जितना अदरक लहसुन और हरी मिर्च की ये पेस्ट मैंने डाल दी है। इसे भी धीमी आंच पर 1 से 2 सेकंड के लिए ही हमें भूनना है ताकि इसका कच्चा जो स्मेल होती है वो निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद फिर से हम इसके अंदर डालेंगे, 1 से 2 मिनट के बाद फिर से हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन किंग गरम मसाला डाला है और 1 से 1.5 सेकंड के लिए ही धीमी आंच पर भूनेंगे। और इसके बाद तुरंत ही हम हरा प्याज और हरी लहसुन का जो ग्रीन वाली पत्ती होती है उसको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है, पहले से ही रेडी रखी है मैंने। ये गाजर है, 1 मीडियम साइज गाजर को कट करके डाला है। ये है हरी मटर, फ्रेश हरी मटर डाली है। फिर मैंने डाला है आलू, कैबेज और कैप्सिकम। ये है टमाटर, 2 से 3 टमाटर का मैंने यूज कर रहा है। आप सब्जियां अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। जो सब्जी आपको पसंद है वो ही डालें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो सब्जी मैं डाल रही हूँ वो ही आपको डालनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फंसी का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। धीमी आंच पर हम इसको पकने देंगे। 1 चम्मच जितना स्वाद अनुसार हमको इसमें नमक डालना है। जब हमने चावल को बॉयल किया था उस समय भी हमने नमक डाला था, उस बात को ध्यान में लेते हुए हमें इसमें भी नमक डालना है। धीमी आंच पर अब हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे सब्जियां मसाले में धीमी आंच पर पकती जाएगी तो उसमें टेस्ट और भी बढ़ता जाएगा। तो इसको अच्छे से पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में हमें इस तरह से इसको हिलाना भी है ताकि नीचे से जले ना और सारी सब्जी अच्छे से चारों ओर से कुक हो जाए। जैसे जैसे सब्जियां पकती जाती है तो उसका ग्रोथ कम होता है, वो नरम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स सब्जियां हमारी अच्छे से नरम जैसे हो गई है और हमने इसको अच्छे से पका दिया है। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 ग्लास जितना पानी। इस सब्जी को हमें एकदम पानीदार रसेदार नहीं बनानी है, लचकेदार बनानी है। तो 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है और एकदम सूखी भी नहीं रखनी है, बस इतना ही पानी सब्जी के लेवल का डाल दिया है। अब 2 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। तो जब कुकर में 2 सीटी आ जाए और सीटी से हवा सारी बैठ जाए और बिल्कुल भी कुकर में हवा ना हो उस टाइम हम कुकर को खोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बढ़िया बनके तैयार हो गई है। एक बार इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। बस इसी तरह की लचकदार सब्जी हमें चाहिए, एकदम पानीदार नहीं और एकदम सूखी भी नहीं। तो सब्जी हमने एक बार अच्छे से मिला दी है, कुकर को साइड में करेंगे। फिर से हम गैस ऑन करेंगे और गैस के ऊपर हम भारे तलिए का कोई भी एक बर्तन रखेंगे। यहाँ पर मैं कढ़ाई क्या यूज कर रही हूँ, आप पतीली का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी नॉनस्टिक बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और चारों ओर स्प्रेड कर दूंगी। कढ़ाई को हमें ऑयल से या घी से ग्रीस करना है ताकि चावल इसके ऊपर चिपके ना। हमें दम पर पकाना है तो ये प्रोसीजर करनी बहुत ही जरूरी है। तो अब हमने जो सब्जी बनाई थी उस सब्जी का आधा हिस्सा अभी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे।
हमें दो बार सब्जी को डालना होगा और दो बार चावल को। तो सब्जी का आधा हिस्सा अभी डालेंगे और आधा हिस्सा हम बाद में डालेंगे, तो उसी हिसाब से आप डालें। और बिरयानी बनाने में भारे तलिए का बर्तन का हमें यूज करना है ताकि नीचे से जल ना जाए। तो सब्जी डाल दी है, फिर से हम गैस, मैंने बीच में घी जैसे ही पिघल गया गैस बंद कर दिया था, फिर से मैं गैस ऑन कर दूंगी। एकदम धीमी आंच पर छोटा बर्नर का हमें यूज करना है। गैस की आंच एकदम धीमी कर देंगे। अब हम सब्जी के ऊपर ये जो फ्राई ओनियन थी वो डालेंगे फैलाते हुए। ये फूल गोभी है, इसको भी हमने फ्राई किया था, वो भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो सब्जी के अंदर डायरेक्ट ही फूल गोभी को डाल सकते हैं, लेकिन वो एकदम गल जाती है फ्रेंड्स, तो ऐसी खड़ी खड़ी दिखने के लिए ही मैंने इसको फ्राई करके डाला है। दो हरी मिर्च और मैंने धनिया पत्ती को भी डाल दिया है, काजू के टुकड़े भी डाल दिए हैं। फिर से हम इसके ऊपर चावल का, फिर से नहीं, अभी पहली दफा ही कर रहे हैं, सॉरी, अभी हम चावल का लेयर इसके ऊपर कर देंगे। चावल को भी हम आधा आधा दो बार डालना है, तो एक बार में ही सारा नहीं डालना है, जितना बनाया है उसका दो भाग कर देना है। एक भाग अभी हम डालेंगे और दूसरा बाद में। कुल चार लेयर होंगे, दो बार सब्जी का और दो बार चावल का। अभी मैंने इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल दी है, धनिया पत्ती को धोने के बाद मैंने चॉप किया था। काजू भी डाल दिया है, फ्राई ओनियन को फैला रही हूँ। फिर से हम इसके ऊपर सब्जी डालेंगे। सब्जी डालने के बाद इसको अच्छे से फैलाएंगे। अब सब्जी के ऊपर जो बचा हुआ चावल था वो सारा हम स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये चावल है एकदम खिला खिला है। इसी तरह का चावल हमें बनाना है, एकदम खिला खिला और थोड़ा कच्चा हो, क्योंकि दम पर ये अच्छे से पक जाता है। तो चावल का लेयर भी हो गया है, अब ऊपर से डेकोरेशन करेंगे हम। फिर से फ्राई ओनियन, धनिया पत्ती, फुदीने के पत्ते, फ्राई काजू, जितना भी वो सारा जो हमने फ्राई किया था वो सब डालेंगे। यहाँ पर फूल गोभी डाल दी है, फ्राई ओनियन डालेंगे। काजू है, ये धनिया पत्ते है, इसको भी हम डाल देंगे। फुदीने के जो पत्ते हैं उसको मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ। विदाउट फुदीना बिरयानी का टेस्ट अधूरा लगता है फ्रेंड्स, तो फुदीना आप जरूर से डालें। बिरयानी फूल को डेकोरेट किया है मैंने बीच में इस तरह से लगा के, चावल से ही निकला हुआ था। अब हम फूड कलर का यूज करेंगे। आप चाहे तो दूध के अंदर केसर को घोल के डालें। यहाँ पर मैंने फूड कलर को पानी में घोल के डाल रही हूँ, आप हल्दी पाउडर को पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे डालें। यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट स्टाइल दम बिरयानी बना रही हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से फूड कलर का ही यूज होता है। दो हरी मिर्च रख दी है, ये आप रखना चाहे तो रखें, ये किशमिश है, इसके कारण बिरयानी में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ढकने के बाद इसको धीमी आंच पर पकाना है, जब इसमें से धुआं उठे तब इसे खोलना है। तो फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं कि बिरयानी के दाने कैसे दिख रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसको चम्मच से नीचे तक खींचते हुए हमें चेक करना है कि नीचे जले ना। फिर से हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे तो ये पक ही गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2 मिनट और इसे पकाना चाहिए। तो मैं 2 मिनट के बाद खोलूंगी, तो फिर आप देखना कि हमारे चावल एकदम कड़क से टाइट खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये चावल की यही निशानी है पकने की, कि चावल जब अच्छे से दम पर पक जाते हैं तो वो एकदम खड़े खड़े और खिले खिले दिखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो हमारी ये जो बिरयानी है वो अच्छे से पक के तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म ही परोसे। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म वेजिटेबल दम बिरयानी, वाह क्या बात है फ्रेंड्स। घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर से ट्राई करें। बिरयानी को किस तरह से निकालना है डिश के अंदर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक चम्मच लीजिए और चम्मच को नीचे से घिसते हुए इस तरह से बिरयानी को निकालना है और सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।